जितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया और अपने साजिश के तहत सिविल सर्जन ने उनके बहाली को रोका है, वैसे तमाम यहां विद्यार्थियों को मैं आज सू पार्टी की तरफ से और अपनी ओर से आप सबको, आपके इस जज्बा को मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने एक जिले के लिए एक मिसाल बना है कि आज कोई संगठन या कोई पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला है तो वो आज सू पार्टी है। ये बात तो आपने आज ये साबित किया है। मैं सिविल सर्जन महोदया को अवगत करा देना चाहता हूं कि आज सू पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ है, चाहे वो झारखंड राज्य अलग का आंदोलन हो, चाहे रामगढ़ जिला अलग करने का आंदोलन हो। हमारा नेता माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी के इस विशाल जन आंदोलन का नतीजा है कि आज रामगढ़ जिला बना, रामगढ़ समरणालय बना, रामगढ़ सदर अस्पताल बना। चंद्रप्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रप्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रप्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आज आप सिविल सर्जन महोदया, आप अधिकारी बनकर जिस एसी और पंखे का हवा ले रही हैं, इस पे हमारे रामगढ़ जिला वासियों का जमीन गया है। हम लोगों ने आंदोलन किया है, माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी ने रामगढ़ जिला को अलग करने के लिए रामगढ़ शहर के सुभाष चौक में सर मुड़वाया है। मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि इस बहाली को आप रद्द कर नया बहाली के प्रक्रिया को नहीं लाते हैं तो इस मंच के माध्यम से आपको हम चुनौती देते हैं कि जिस सुभाष चौक में चंद्रप्रकाश चौधरी ने सर मुड़ाया है, मैं आपको ये आंसू छात्र गांव और आंसू पार्टी उसी सुभाष चौक पर आपको खड़ा करके और इसका जवाब लेगी रामगढ़ की जनता। आज पूरा सदर अस्पताल, पूरे जिले में यदि कोई भ्रष्ट विभाग है वो रामगढ़ जिले का सदर अस्पताल है। यहाँ जिले के गरीब ग्रामीण लोग जब यहाँ किसी बीमारी का इलाज कराने आते हैं तो यहाँ व्यवस्था नहीं है। मामूली नॉर्मल डिलीवरी को भी ये लोग अपने यहाँ जितने कार्यरत डॉक्टर हैं पूरे रामगढ़ शहर में भिन्न भिन्न जगहों पर इनका अपना अपना निजी अस्पताल भी चलता है। तो तमाम यहाँ गरीब गुरबों को ये कहते हैं कि भाई यहाँ आपका काम नहीं हो पाएगा, आप अमुक अस्पताल में चले जाइए और यही डॉक्टर वहाँ जाकर उनका इलाज करते हैं और 15-20 हजार रुपया उस गरीब का हिट लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं सिविल सर्जन से कि रामगढ़ जिले के इस अस्पताल में सरकार ने कौन ऐसी व्यवस्था की कमी की है? आप लाखों लाखों रुपया महीने का वेतन पाते हैं तो आपने फिर उन लोगों के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? ये जो आंदोलन है ये यहां तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, ये आमरण अनशन के बाद आज सू पार्टी चरणबद्ध तरीके से, और आप ये न समझें कि केवल ये छात्र संघ का आंदोलन है, बल्कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जरूरत पड़े तो पूरी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन के तौर पर रामगढ़ जिले को भी बंद करा सकते हैं। तो आपसे पुनः निवेदन और विनम्र प्रार्थना है कि यहां लगातार दूसरे दिन जिले के छात्र आसू पार्टी छात्र संघ के तमाम नेतागण अभ्यर्थी लोग सारे यहाँ अपने मांग को लेकर, जो गड़बड़ी से नियुक्ति पर हुआ है उसको रद्द करने की मांग को लेकर और पुनः नया बहाल किया जाए इस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। आपकी तरफ से सकारात्मक पहल होनी चाहिए, मैं इन्हीं विनती के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से सभी अभ्यर्थियों को और तमाम नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक रामगढ़ जिले के लिए बहुमूल्य कार्य को किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।